हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल दीप टेक लर्निंग में। दोस्तों, आज हम जिस स्कीम की चर्चा करेंगे वो है बेटी है अनमोल योजना। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवार में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। बेटी का जन्म होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार 10,000 की छात्रवृत्ति पोस्ट ऑफिस या फिर बेटी के बैंक खाते में जमा कर देगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बेटियों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 300 से लेकर 12,000 तक की आर्थिक सहायता किताबें तथा यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रदान की जाती है। यदि बेटी 12वीं कक्षा के बाद स्नातक के पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई जारी रखती है तो उसे 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में लागू है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य समाज में बेटी के जन्म पर बेटी एवं माता-पिता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है तथा बेटी के बाल विवाह पर रोक करना, बेटी के स्कूल दाखिले एवं शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन, लड़कियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए मुख्य पात्रता शर्तें निम्न प्रकार से हैं। पात्र बेटी का परिवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। पात्र बेटी का परिवार वर्तमान बीपीएल सूची में होना चाहिए। 18 साल की आयु पूर्ण करने से पहले लाभान्वित बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसके खाते की राशि स्वतः सरकार को प्राप्त हुई समझी जाएगी। वो इसका उपयोग अन्य किसी पात्र बालिका को सहायता प्रदान में किया जाएगा। 18 साल की आयु पूर्ण होने पर इसके खाते की पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी। बालिका की मृत्यु होने पर भी उसके खाते की राशि स्वतः सरकार को प्राप्त हुई समझी जाएगी। छात्रवृत्ति हेतु प्रोत्साहन राशि माता-पिता के अनुरोध पर नगद व बैंक खाते के माध्यम से की जा सकेगी। योजना के अंतर्गत सहायता राशि संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 मई 2018 के तहत इसमें जमा करवाई जाने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। और छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार से होगी। इस योजना के तहत आवेदन करने के साथ निम्न दस्तावेज चाहिए होंगे, जैसे प्रार्थना पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र जो संबंधित पंचायत से जारी होगा, परिवार रजिस्टर की नकल जो आपको पंचायत से मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ग्राम पंचायत रिपोर्ट या प्रस्ताव की प्रति, आधार कार्ड की प्रति। आवेदन संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा, सॉरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी को किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इसकी आधिकारिक वेबसाइट edistrict.hp.gov.in है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना से जुड़े दिशा निर्देश, गाइडलाइंस व एप्लीकेशन फॉर्म मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।